जहाँ तक महात्मा गांधी जी का प्रश्न है, श्री चैंपियन द्वारा उनके बारे में जो बयान दिया गया, पार्टी ने, भाजपा ने बहुत साफ कर दिया कि ये बयान चैंपियन जी का अपना है और पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है और उस बयान की पूरी जिम्मेदारी चैंपियन जी की अपनी है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानती है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको मानवता का मसीहा ही नहीं कहा बल्कि महात्मा गांधी जी के कई जो कार्यक्रम हैं जो उन्होंने अपने समय में चलाए थे उनको वर्तमान में भी आगे बढ़ाया है। स्वच्छता उसका एक उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस जो है वो मुद्दा विहीन है और अगर इतिहास देखें तो कांग्रेस ने गांधी जी का बार बार अपमान किया। गांधी जी ने तो कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अपने राजनीतिक हितों के लिए और सत्ता की भूख के लिए गांधी जी के वचन को नहीं माना। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो गांधी जी के जो आदर्श थे कांग्रेस कहाँ मानने वाली है। भ्रष्टाचार में ये लिप्त है और इसी प्रकार से अन्य ऐसे कई कार्य हैं जो कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं और कर रहे हैं जो गांधी जी के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत हैं। इन परिस्थितियों में अगर कांग्रेस गांधी जी का नाम लेती है तो केवल अपने स्वार्थ के कारण लेती है। और वर्तमान में चूँकि उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए वे इस प्रकार की बातें कर रही है। जहाँ तक श्री देशराज कर्णवाल के प्रमाण पत्र का सवाल है, तो हमारा कांग्रेस से सवाल ये है कि जिस समय श्री देशराज कर्णवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया था उस समय कांग्रेस कहाँ चुप थी। जिस समय चुनाव चल रहे थे और चुनाव घोषित परिणाम घोषित हो गया तब कांग्रेस चुप क्यों थी, क्यों नहीं वो उच्च न्यायालय में गई। और दो साल बीत चुके हैं कर्णवाल जी को विधायक बने हुए, तो कांग्रेस जो है चुप क्यों रही। क्योंकि कांग्रेस जानती है कि कर्णवाल जी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो अपने आप में सही है। वर्तमान में हमारे दो विधायकों के निजी तनाव के बीच में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया उसके आधार पर कांग्रेस जनता का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की बातें कर रही है। लेकिन ये सीधा सीधा बताता है कि कांग्रेस का आधार खिसका हुआ है, मुद्दा विहीन है। और हम तो बहुत सीधा कहना चाहेंगे कि वे एक निर्वाचित प्रतिनिधि के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कांग्रेस का जो चरित्र है मूल रूप से दलित विरोधी है।